हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो पहले आप देख चुके हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो वो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप एक्सरसाइज 1.1 भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, 1.2 स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग वीडियो को पॉज करके अपनी टेक्स्टबुक निकाल लीजिए। टेक्स्टबुक में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। आपको जो वैल्यू गिवन है वो आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी है। फर्स्ट कौन सी वैल्यू गिवन है, 7/4। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करें, तो देखिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कई सारे तरीके हैं, आपने डिफरेंट सीखे हैं। मैं यहाँ पर आपको एक न्यू ट्रिक बता रहा हूँ और इजी भी। जब आपका न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमीटर हो, ठीक है, आपका न्यूमरेटर डिनोमीटर से ग्रेटर है, तब आप इसका डिवाइड कर लीजिए। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में 4 यहाँ आएगा, 1 यहाँ और 3 यहाँ। ये जो है इससे आपको पता चलेगा कि आपका नंबर लाइन कहाँ पे आएगा। सो वो 1 से लेके 2 के बीच में आएगा, क्योंकि 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 समथिंग आंसर आएगा। सो ये 1 से लेके 2 के बीच में आएगा। सो ड्रॉ द नंबर लाइन, यहाँ पर 0, यहाँ पे सारे माइनस वाले 1, और यहाँ पे कर दीजिए 2, ठीक है, 1 एंड 2। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा 1 और 2 के बीच में कहाँ आएगा। सो जो डिनोमीटर है इसका उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 4 है तो 1, देखिए 1, 2, 3 और 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। सो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/4, 2/4, 3/4 और यहाँ पे 2। सो देखिए हमें क्या चाहिए, 1 और 3/4। सो यहाँ पे आपका बनेगा नंबर लाइन। सो यहाँ पे आपको ऐसे सर्कल करके डॉट कर देना है। सो आपकी नंबर लाइन 1 और 2 के बीच में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। सो अब देखिए सेकंड नंबर में आपको क्या गिवन है, -5/6। अब देखिए यहाँ पर आपका न्यूमरेटर डिनोमीटर से छोटा है, मीन जब भी ऐसा कभी हो कि डिनोमीटर छोटा हो तो आपका आंसर हमेशा 0 to 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है, 0 to 1 के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे जो है वो नेगेटिव है, तो 0 से लेके -1 के बीच में देखने को मिलेगा। ये माइनस हो तो 0 से -1 के बीच में, प्लस हो तो 0 से 1 के बीच में, पर जब भी आपका डिनोमीटर बड़ा हो तब आपका आंसर इन दोनों के बीच में ही आएगा, मीन आपको नंबर लाइन पे इसी पे रिप्रेजेंट करना है। सो देखिए 0 माइनस आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, -1 यहाँ पर क्या है 6, तो आपको इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए ये हो गया 6/9 में रिप्रेजेंट, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यहाँ पर हो गया आपका 6 पार्ट्स हो गए। अब इसका कितना है, हमें चाहिए 6 पार्ट, मतलब इसको 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, तो यहाँ पर आपका 5/6। तो सर्कल इट एंड मेक डॉट, सो यहाँ पर आपकी नंबर लाइन रिप्रेजेंट होगी। माइनस साइन लगा दीजिएगा जिससे आपको पता रहेगा कि ये माइनस में जा रहा है। सो -5/6, सो ये हो गया -5/6 का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। इजी था बहुत। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया हुआ है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11, इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, वापस नेगेटिव में है सो आपको यहाँ पर इसको 11 गिवन है तो 11 पार्ट में ब्रेक
करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे आपका आपको पता है माइनस वन तक ही आएगा। सो यहाँ पे आपका माइनस वन अपॉन इलेवन, माइनस टू अपॉन इलेवन, थ्री अपॉन इलेवन, फोर अपॉन इलेवन, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ओके। यहाँ पे आपका आएगा माइनस टेन अपॉन इलेवन, यहाँ पे तो माइनस वन होगा क्योंकि माइनस इलेवन अपॉन इलेवन करोगे तो आपका माइनस वन आंसर आ जाएगा। आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट ये माइनस टू बाय इलेवन, सेकेंड माइनस टू बाय माइनस फाइव बाय इलेवन, एंड थर्ड माइनस नाइन बाय इलेवन। आपको ऐसा हो तो आप इनको ए बी और सी भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर आपका हो गया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन माइनस टू बाय इलेवन, माइनस फाइव बाय इलेवन और माइनस नाइन बाय इलेवन। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन टू भी कंप्लीट होता है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। सो क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर थ्री में, राइट द फाइव रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन टू। आपको पांच ऐसे रैशनल नंबर बताने हैं जो स्मॉलर देन कितने होने चाहिए, टू। अब देखिए टू से स्मॉलर में आप जाओगे तो आपको क्या देखने मिलेगा, वन, जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड सो वन। सो इट विल बी एन ऑल्सो रैशनल नंबर। पर अगर आपको अपॉन के मीन फ्रैक्शन के फॉर्म में चाहिए हो तो भी आप ले सकते हो, वन, जीरो, वन बाय फोर, वन बाय थ्री, वन बाय टू, ठीक है। ऐसे आप कोई भी पांच फ्रैक्शन नंबर लिख सकते हो। सो दिस आर द फाइव रैशनल नंबर स्मॉलर देन टू। आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों राइट है। आपको फ्रैक्शन वाले लिखने हो तो फ्रैक्शन वाले, बिना फ्रैक्शन वाले लिखने हो तो बिना फ्रैक्शन वाले भी आप लिख सकते हो। सो दिस आर द फाइव रैशनल नंबर स्मॉलर देन टू। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर फाइव में, फाइंड द टेन रैशनल नंबर बिटवीन माइनस टू अपॉन फाइव एंड वन बाय टू। आपको क्वेश्चन नंबर फोर में टेन रैशनल नंबर फाइंड करने हैं माइनस टू अपॉन फाइव एंड वन बाय टू के बीच में। पहले हम इनका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, सो फाइव को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू से, माइनस फोर बाय टेन, एंड वन बाय टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव से, सो फाइव बाय टेन। अगर आप देखो माइनस टू अपॉन माइनस फोर अपॉन टेन एंड फाइव अपॉन टेन के बीच में अगर आप देखोगे तो टोटल नाइन रैशनल नंबर आएंगे, पर आपको कितने चाहिए, टेन। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपका रैशनल नंबर कम पड़ रहे हो तो सबसे पहले आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए टू के साथ, जो दोनों आपके नंबर है। सो माइनस एट बाय ट्वेंटी, टेन बाय ट्वेंटी, अब आपके टेन रैशनल नंबर आ सकते हैं इन दोनों के बीच में। अब आपको जो भी लेने हो, इससे कम वाले लेने हो या इससे ज्यादा वाले लेने हो तो आप ले सकते हो। मैं ज्यादा वाले ले रहा हूं, माइनस सेवन बाय टेन, माइनस सिक्स बाय टेन, माइनस फाइव बाय टेन, फोर बाय टेन, माइनस फाइव बाय टेन। मैंने पांच रैशनल नंबर इससे ज्यादा वाले ले लिए, अब पांच रैशनल नंबर इससे कम वाले लेता हूं। देखो नाइन बाय टेन, एट बाय टेन, सेवन बाय टेन, सिक्स बाय टेन, कितने हो गए, एट फोर नाइन, नाउ लास्ट फाइव बाय टेन। सो ये हो गए आपके टेन रैशनल नंबर्स बिटवीन माइनस टू अपॉन फाइव एंड वन अपॉन टू। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फोर भी क्लियर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर फाइव में, आपको तीन क्वेश्चन है जिनके आपके फाइव फाइव रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखो फर्स्ट में क्या गिवन है आपको, टू बाय थ्री एंड फोर बाय फाइव। आपको इन दोनों के बीच में फाइव रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। सो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमीटर को सेम करेंगे। सो टू बाय थ्री फाइव से मल्टीप्लाई होगा, सो टेन बाय फिफ्टीन, फोर बाय थ्री
4 बाय 4 को 3 से 5 को 3 से सो 12 बाय 50 यहां पर भी आपके पांच रैशनल नंबर होंगे नहीं सो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से सो 20 अपॉन 30 24 अपॉन 30 सो देखो अब यहां पे भी हमारे 5 रैशनल नंबर नहीं होंगे 21 22 23 और 24 भी ले लेते तो भी 4 सो हम यहां पर क्या करेंगे फिर से मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे सो 40 अपॉन 60 एंड 48 अपॉन 60 सो अब इनके बीच में हमारे 5 रैशनल नंबर होंगे कौन से 41 अपॉन 60 42 अपॉन 60 43 अपॉन 60 44 अपॉन 60 एंड 45 अपॉन 60 सो ये 5 रैशनल नंबर्स हैं जो आपको 2 बाय 3 एंड 4 बाय 5 के अंदर में देखने को मिलेंगे चलिए तो आप देखते हैं सेकंड नंबर क्या गिवन है सेकंड नंबर में -3 बाय 2 एंड 5 बाय 3 सो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे -9 बाय 6 5 बाय 3 को 2 से 10 बाय 6 सो माइनस से लेके प्लस के बीच में तो आपके आराम से 5 रैशनल नंबर आएंगे सो -8 बाय 6 -7 बाय 6 -6 बाय 6 -5 अपॉन 6 -4 अपॉन 6 -3 अपॉन 6 सो दिस आर द 6 रैशनल नंबर लिख दिए मैंने ये आपके 5 रैशनल नंबर होंगे किसके बीच में -3 अपॉन 2 और 5 अपॉन 3 के बीच में सो यहां पर आपका सेकंड नंबर भी कंप्लीट होता है तो चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर सो क्या गिवन है थर्ड नंबर में 1 बाय 4 एंड 1 बाय 2 मींस यहां पर आपको 1 बाय 4 एंड 1 बाय 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं सो पहले 1 बाय 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 बाय 8 एंड 1 बाय 2 को 4 से डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सो 4 बाय 8 तो भी देखिए इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर नहीं आएंगे सो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से सो 4 बाय 16 8 बाय 16 अभी भी इन दोनों के बीच में 4 रैशनल नंबर ही आएंगे और हमें कितने चाहिए 5 सो मल्टीप्लाई बाय 2 सो 8 बाय 32 एंड 16 बाय 32 अब इन दोनों के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर मिल सकते हैं सो 9 बाय 32 10 बाय 32 11 बाय 32 12 बाय 32 एंड 13 बाय 32 सो दीज आर द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 बाय 4 एंड 1 बाय 2 मींस ये 5 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में आएंगे तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 2 3 जैसा है क्या दिया हुआ है राइट द 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2 से ग्रेटर देन नंबर लिखना है हमें वहां पर क्वेश्चन 3 में स्मॉल देन था यहां पर ग्रेटर देन है तो आपको पता है -1 0 1 2 3 दीज आर नंबर ग्रेटर देन -2 अगर आपको रैशनल नंबर में लिखना हो सो 1/4 1/3 1/2 ऐसे भी आप लिख सकते हो सो दीज आर द नंबर ग्रेटर देन -2 सो ये आपका आंसर इजी था ना क्वेश्चन नंबर 7 एंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन फाइंड द 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4 इन दोनों के बीच के आपको 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं सो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4 सो 12/20 एंड 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5 15/20 अभी भी इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर नहीं आएंगे सो मल्टीप्लाई बाय 2 24 अपॉन 40 30 अपॉन 40 अभी भी वो रैशनल नंबर नहीं आएंगे 10 जितने हमें चाहिए सो वापस मल्टीप्लाई बाय 2
सो 48 बाय 80, 60 बाय 80, सो अब हमें जो आंसर चाहिए वो आएगा, तो इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर 49 बाय 60, 50 बाय 60, 51 बाय 60, 52 बाय 60, ओके 36, 55 बाय 60, 56 अपॉन 60, 57 अपॉन 60, 58 अपॉन 60, ओके सो यहां पर आपके 10 रैशनल नंबर कंप्लीट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है एंड यहां पर आपका चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट। सो ये थी एक्सरसाइज 1.2 पूरी एंड बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।